बॉल रेडियस, किसी वर्क पीस में बॉल रेडियस कैसे लगाते हैं? तो देखिए एक ड्राइंग है, इसका हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पे पॉइंट बनाते हैं। देखिए हाफ सर्किल से ज्यादा रेडियस लग रही है, तो सबसे पहले हम पॉइंट बनाते हैं ए बी। पहले ए पे टूल जाएगा, ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, सी से डी ई। तो कोऑर्डिनेट निकालते हैं पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू डाया, जेड इक्वल टू लेंथ। ए पॉइंट पे हमारा डाया भी जीरो होगा और लेंथ भी जीरो। बी पॉइंट पे रेडियस 25 एमएम की है, तो ये यहां से यहां तक 25, रेडियस 25 की है, तो डाया कितना हो जाएगा 50 एमएम, और ये यहां से यहां तक इसकी लेंथ माइनस 25। इसके बाद सी पॉइंट पे, अब सी पॉइंट पे डाया तो दिया है, कितना है 40 एमएम, और अगर यहां से यहां तक ये लेंथ पता चल जाए तो देखिए ये यहां से यहां तक 40 हो गया, तो इसको यहां से ऐसे मिला लेते हैं, ये इसकी रेडियस है, तो ये कितना होगा 25 एमएम, और ये लेंथ अगर पता चल जाए तो ये यहां से यहां तक की जितनी लेंथ होगी, तो देखिए ये 25 एमएम इसकी रेडियस हो गई और ये 40 एमएम है, तो 20 एमएम इधर होगा और ये 5 एमएम इधर, तो ये हो गया यहां से यहां तक 20 एमएम। ये दूरी हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ के लिए। तो क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये दूरी हमें निकालनी है। तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं, ये हमें बेस ज्ञात करना है और हाइपोटेनियस 25 एमएम इसकी रेडियस है, ये दूरी निकल जाएगी उतना ही ये होगा, तो बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये बेस ज्ञात करना है हाइपोटेनियस, तो बी इक्वल टू अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, अंडर रूट 25 का स्क्वायर चार सौ, दो सौ पच्चीस, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 एमएम। यहां से यहां तक की ये लेंथ कितनी फाइंड आउट हो गई, 15 एमएम। तो देखिए सी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया माइनस, यहां से यहां तक 25 एमएम था जो फाइंड आउट किया था हमने, रेडियस है, और 15 एमएम जुड़ गया 40 एमएम, 25 एमएम ये, 15 एमएम ये, यहां से यहां तक। इसके बाद डी पॉइंट पे डाया 45 है और लेंथ 55 एमएम, पंचानवे एमएम हो गई, 45। इसके बाद ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे डाया कितना है 60 एमएम और 5 एमएम लेंथ और ऐड हो जाएगी, ये 100 एमएम। एफ पे डाया कितना है 60 एमएम और लेंथ 60 एमएम और ऐड हो जाएगी माइनस 160। इसके बाद जी पे डाया 45 एमएम और 5 एमएम की लेंथ ये ऐड हो जाएगी, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी
165 mm। इसके बाद यच पे डाया कितना है 70 mm और माइनस 5 mm लेंथ और तो यह तरीका होता है जब आप देखो आधा सर्किल से ज्यादा काटना होता है तो एक बार में यह टूल यहां तक मूवमेंट नहीं होगा, तो पहले यहां बी तक फिर बी से सी तक ये यहां से यहां तक लेंथ निकालनी होगी। डाया तो दिया है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे मिला लो, ये रेडियस कितनी है 25 mm और इसको नीचे मिला लो, ये डिस्टेंस ज्ञात करनी थी तो ये 25 हो गया और ये 20 mm हो गया और ये वाला हमें बेस ज्ञात करना है तो 25 के स्क्वायर में से 20 का स्क्वायर ये आपका 5 mm होगा तो ये आपको बेस मिल जाएगा कितना है। वही चीज यहां पे निकाले, ये वाली दूरी निकली है या और इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट निकल गया तो ये रेडियस G03 में कट रही है, यहां तक कोऑर्डिनेट दो रेडियस 25 की, फिर यहां से यहां तक रेडियस 25 की, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बना लेंगे। तो देखिए पहले हेडर लिखते हैं G0X0Z2mm बार। पहले टूल को यहां पे रोक लिया 2 mm बार। इसके बाद यहां टच करेंगे G01X0.0Z0 फीट दे दिया 0.2 की। इसके बाद यहां से G03X50Z-25 रेडियस 25 mm, फिर यहां से G0X40Z-25 की, फिर यहां से टेपर है तो G01X45Z-95, फिर यहां से दूसरा टेपर G01X60Z-100, फिर स्टेट G01X ये 60 mm और एड हो जाएगा 160। फिर यहां से देखो नीचे की तरफ जा रहा है टेपर में G01X45Z-100। तो बॉल नोज रेडियस हाफ सर्किल तक टूल जाएगा उसके बाद, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया एक्स और जेड में और ये इसका प्रोग्राम हो गया।